हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अरहर की दाल तो हम सभी को पसंद होती है, लेकिन वो कैसे बनती है वो देखिए। ये कट के पेड़ रखा हुआ है, इसके अंदर अरहर के दाने हैं, इसको पीट करके निकाला जाता है। बड़ा पीट हुआ था कैसे? अरहर की दाल हम सभी अपने रोज के भोजन में इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही लाभदायक होती है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो ये देखिए, ये है अरहर जो कि हमारे खेत में उगाई गई थी, तो ये आ गई है। अब इसका दाल बनाने का प्रोसेस शुरू हो रहा है। तो इसको आज साफ करते हैं। साफ करने के लिए सबसे पहले ये देखिए, ये हमारे यहाँ इसको झरनी कहते हैं, इससे झाड़ना है इसको। इसमें ऐसे अरहर को लेकर के इस तरीके से साफ करेंगे, तो इसमें तो ये कुछ गंदगी है। कुछ ऐसी अरहर है जो कि अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाई, छोटे दाने हैं, इन्हीं को निकालना है। तो देखिए दोस्तों, अरहर हमारी हो गई है साफ। इसमें से सारी खराब रहर और कचरा निकल चुका है बाहर। अभी ये इसका पहला प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। इसमें दो तीन प्रोसेस होते हैं। इसमें से देखिए, रहर को जब मैंने चलने से झाड़ा तो ये निकला। ये कुछ तो गंदगी है साफ करते समय, जो खलिहान में मिट्टी, कंकड़, ये सब आ जाते हैं। और कुछ इसमें से वो अरहर है जो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाई कोहरे और मौसम की खराबी की वजह से, वो सारी है। ये हम लोग पशुओं को खिला देते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। हमने सोचा कि अरहर की दाल हम सभी खाते हैं, तो वो कैसे तैयार की जाती है उसका प्रोसेस भी आपसे शेयर किया जाए, इसलिए ये वीडियो आप तक पहुँचाई जा रही है। धन्यवाद।